तो हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। और इस वीडियो में जिस टॉपिक के लिए हम लोग बात करेंगे ये भी हमारी बुक में दिया नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब दिया नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो? तो मैं इसके लिए आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि बायोलॉजी ही नहीं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको ये मान के मत पढ़िए कि ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आएगा, या सिर्फ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना है। कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं नहीं, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट के लिए, अब जो नया पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में, उसको हम रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, ये आदत होनी चाहिए आपके पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज, अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको जड़ से पढ़िए, पूरी तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया, एग्जाम में लिख दिया चार लाइन, बस काम खत्म। अगर आप ऐसी पढ़ाई करेंगे तो कभी भी आप सेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट के लिए, सिर्फ आप रट सकते हैं बस, या कह सकते हैं सिर्फ आपको रटना पड़ेगा, कभी आप समझ नहीं पाएंगे उसको। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़िए, हमेशा जड़ से पढ़िए, पूरी तरीके से पढ़िए उसको, और उसको रिलेट करना सीखिए पहले से जो पढ़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट के लिए। और यही बात मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब स्टार्ट किया था तब से बोलता चला रहा हूँ कि हम लोग अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पढ़ाई उसी सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पे मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंड्रोसियम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं गायनोसियम। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम को बोलते हैं स्टैमेन, यूनिट ऑफ गायनोसियम को बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल। स्टैमेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने पढ़ा था, फिलामेंट एंड एंथर। इसी तरीके से पिस्टिल या कार्पेल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। लेकिन जो मेन मेल फर्टाइल पार्ट था इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे मेल गैमेट्स बन रहे थे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंथर। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल फर्टाइल पार्ट क्या होगा, एंथर। इसी तरीके से जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल सेक्स ऑर्गन पे जहां पे फीमेल गैमेट्स बनेंगे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल फर्टाइल पार्ट होगा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल फर्टाइल पार्ट है उसको हम लोग बोल रहे हैं ओव्यूल, जिसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर या टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मेल फर्टाइल पार्ट का डेवलपमेंट पढ़ाया था, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो उस चीज को यहाँ पे हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे फीमेल फर्टाइल पार्ट यानी कि ओव्यूल के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो आपको एक बात तो ये समझ में आ गई होगी कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एंथर, क्योंकि मेल का फर्टाइल पार्ट एंथर है, फीमेल का फर्टाइल पार्ट ओव्यूल है। तो मैं आपको एक बार रिकैप कराता हूं एंथर का जो डेवलपमेंट था, ताकि हम उस चीज को रिलेट कर सकें, हमको अलग से इसको रटने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने आपको बताया था कि जब एंथर का डेवलपमेंट होता था, हो रहा था, तो बहुत सारे मैथमेटिक सेल्स थी जो कि एक ग्रुप या स्फेरिकल मास के फॉर्म में एग्रीगेट हो जाती थी, एक जगह इकट्ठी हो जाती थी, और इसके चारों तरफ यहाँ पे इपिडर्मल सेल्स इन पूरी की पूरी मैथमेटिक सेल्स को सराउंड कर लेती थी, और इस कवरिंग को हम लोग बोलते थे इपिडर्मस, इपिडर्मिस, जिसके बीच में यहाँ पे अंदर बहुत सारी मैथमेटिक सेल का मास कवर्ड होता था या सराउंडेड होता था। तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता था। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये अपने आप को इस तरीके से स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर में क्या कर लेती थी, अरेंज कर लेती थी, और इनके बीच में ये जो स्पेस बनता था, ये जो स्पेस बनता था, चूंकि ये मेरिस्मेटिक सेल्स है ब्लैक कलर वाली, तो ये डिवाइड करके ये जो पूरी स्पेस है इनको क्या कर लेते थे, ये ऑक्यूपाई कर लेते थे पूरा का पूरा स्पेस है, इसमें मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज करके यहाँ पे फीड हो जाती थी।
फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो सेंटर पे प्रेजेंट मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, ये अपने साइटोप्लास्ट को दे देती हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट मेरिस्मेटिक सेल्स को, एंड इवेंचुअली ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं सेंटर पे, ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, यहाँ पे स्पेस खाली हो जाता है। और ये जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट सेल्स हैं, ये चूंकि फूड स्टोर कर ले रही हैं, इनका साइज बड़ा हो जाता था, और इन सेल्स को हम लोग बोलते थे आर्किस्पोरियल सेल्स। बहुत सारा नंबर होगा, यानी कि हर एक कॉर्नर्स पे यहाँ पे बहुत सारी आर्किस्पोरियल सेल्स बन जाती थी। इस आर्किस्पोरियल सेल में दो तरीके का डिवीजन होता था, एक पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस जिसको हम लोग क्या बोलते थे पेरिकाइलल डिवीजन, और एक परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस जिसको हम लोग क्या बोलते थे एंटीकाइलल डिवीजन। यहाँ पे हमें उसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि जो पेरिकाइलल डिवीजन है ये नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाता है, और एंटीकाइलल डिवीजन एक ही लेयर में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। तो इससे नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ेंगी, और इससे एक ही लेयर में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, यानी कि एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। लेकिन हमको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि पहले इस आर्किस्पोरियल सेल में होगा पेरिकाइलल डिवीजन, और पेरिकाइलल डिवीजन जब होगा, तो अभी आपको हमने बताया कि जो नई सेल्स बनेंगी वो दो लेयर में, क्योंकि ये पेरिकाइलल डिवीजन जो है ये लेयर्स का नंबर इंक्रीज कराएगा। ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है कॉर्नर्स पे, जब पहली बार ये पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस डिवीजन होगा, यानी कि पेरिकाइलल डिवीजन होगा, तो एक लेयर इस तरीके से और एक लेयर इस तरीके से, यानी कि एक बाहर की तरफ यहाँ पे लेयर्स बनती चली जाएंगी इस तरीके से, और एक लेयर यहाँ पे आपको अंदर की तरफ बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि जितनी भी सेल्स हैं वो दो लेयर में अरेंज हो जाएंगी। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, जब इसमें पेरिकाइलल डिवीजन होगा, तो दो तरीके की सेल्स बन रही हैं, एक ये जो बाहर की तरफ सेल बन रही है इसको हम लोग बोलते थे प्राइमरी पैराइटल सेल, और एक ये जो अंदर की तरफ सेल बन रही है इसको हम लोग बोलते थे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इनका भी नंबर ढेर सारा होता था, इनका भी नंबर ढेर सारा होता था। और ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये आगे चल के बनाती थी वॉल ऑफ एंथर, जैसे कि एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टैपेटम। इसीलिए हमने बोला था कि ये आर्किस्पोरियल इनवर्जन होगी, जबकि ये जो एपिडर्मिस है ये नॉन आर्किस्पोरियल इनवर्जन होती थी। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी इनको आगे चल के हम लोग बोलते थे स्पोरोजिनस सेल्स, और स्पोरोजिनस सेल आगे चल के बनाती थी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती थी, यानी रिडक्शन एंड डिवीजन होता था, तो यहाँ पे बनते थे चार डॉटर सेल्स, इनको हम लोग क्या बोलते थे माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स आगे चल के बनाते थे पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग बोलते थे मेल गैमेटोफाइट बोलते थे। तो इतनी सी बात हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया था जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि एंथर का जब डेवलपमेंट होगा तो ढेर सारी मेरिस्मेटिक सेल का पूरा मास यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जिसको सराउंड करेंगी एपिडर्मिस की एक मेम्ब्रेन या लेयर, और फिर ये पूरा का पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है ये इस स्पेयर सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें जो सेंटर पे प्रेजेंट मेरिस्मेटिक सेल है वो अपने साइटोप्लास्ट में कॉर्नर्स से प्रेजेंट सेल्स को दे देंगी, और ये जो कॉर्नर्स की सेल्स हैं जिनका साइज थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा, इनको हम लोग बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल। और इस आर्किस्पोरियल सेल में पहली बार होगा पेरिकाइलल डिवीजन, जो सेल्स होंगी वो दो लेयर्स बनाएंगी, बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, जो कि आगे चल के बनाएंगी वॉल ऑफ एंथर, और अंदर वाली जो सेल्स की लेयर होगी इन सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगी, जो एक्ट करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह, जो मियोसिस से चार माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, और हर एक माइक्रोस्पोर आगे चल के बनाएगा पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। तो हर कॉर्नर पे थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स होंगी, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, और थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता था किसमें, मेल गैमेटोफाइट में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे पॉलेंस या पॉलन ग्रेन्स। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बोलते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें हो रही थी, इस स्ट्रक्चर के अंदर हर एक कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर्स पे एक बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते थे, उस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजियम। और एक एंथर में चारों कॉर्नर्स पे
एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, यानी कि टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि हम टेट्रास्पोरेंजिएट अरेंजमेंट बोलते थे। तो एक बैग या सैटेलाइट स्ट्रक्चर जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये आगे चल के क्या बनाते थे, मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन। तो इसी कॉन्सेप्ट को, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाला हूँ ओव्यूल के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि मैं आपको इस डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल को बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से हम लोगों ने इसको समझा था। अगर ये आपको याद है तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अभी बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपकी स्पोरियल सेल बनेगी, यहाँ पे भी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी, यहाँ पे भी स्पोरोजिनस सेल्स बनेगी और यहाँ पे भी मदर सेल्स बनेगी, और ये मदर सेल्स यहाँ पे भी स्पोर्स बनाएंगी, और जो स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे वो भी यहाँ पे गैमेटोफाइट बनाएंगे। हमने आपको बताया कि हमारे पास एक आर्की स्पोरियल सेल होनी चाहिए, अभी हमने देखा मेल के रिस्पेक्ट में बहुत सारी होंगी, तो एटलीस्ट हमारे पास आर्की स्पोरियल सेल्स होनी चाहिए। वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगी, वो स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगी, और स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो क्या बनाएंगी, मदर सेल्स बनाएंगी। स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाएंगी, मदर सेल्स बनाएंगी, मदर सेल्स क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी, और स्पोर्स क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि आर्की स्पोरियल सेल्स होंगी, आर्की स्पोरियल सेल्स जो होंगी वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स स्पोरोजिनस सेल बनाएंगी, और स्पोरोजिनस सेल जो है वो मदर सेल्स बनाएंगी मियोसाइट्स, और मदर सेल या मियोसाइट में मियोसिस होगी तो वो बनाएंगे स्पोर्स, और स्पोर्स डेवलप होंगे किसमें, गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट में। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट में, पोलन ग्रेन में, और अगर हम मेल के स्पोर की बात करें तो माइक्रो वर्ड यूज करेंगे, माइक्रो स्पोर्स बनेंगे, और माइक्रो स्पोर्स जिस मदर सेल से बन रहे हैं उनको माइक्रो स्पोर मदर सेल बोलेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको पहले लेक्चर की बात अगर याद हो, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हमने आपको बोला था कि एंड्रो वर्ड यूज करते हैं मेल के रिस्पेक्ट में, गायनो वर्ड यूज करते हैं फीमेल के रिस्पेक्ट में, इसी तरीके से माइक्रो वर्ड यूज करते हैं मेल के रिस्पेक्ट में, मेगा वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, फीमेल के रिस्पेक्ट में। तो मेल गैमेटोफाइट होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट भी होगी, मेल गैमेटोफाइट को बोल रहे हैं पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट को बोलेंगे एम्ब्रायोसैक। मेल स्पोर्स को होंगे तो फीमेल स्पोर्स भी होंगे, मेल स्पोर को माइक्रो स्पोर बोल रहे हैं, फीमेल स्पोर को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर बोलेंगे। बहुत सिंपल है, आप सिर्फ लिंक करते जाइए, मेल स्पोर को माइक्रो स्पोर बोल रहे हैं, फीमेल स्पोर को मेगा स्पोर बोल रहे हैं। मेल स्पोर माइक्रो स्पोर जिस मदर सेल से बन रही है उनको माइक्रो स्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, तो फीमेल स्पोर्स मेगा स्पोर्स जिस मदर सेल से डेवलप होंगे उनको मेगा स्पोर मदर सेल्स बोलेंगे। बस यहाँ पे नंबर्स के लिए हमको ध्यान रखना है कि मेल के रिस्पेक्ट में कितने होंगे, फीमेल के रिस्पेक्ट में कितने होंगे। बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, तो सिर्फ हमको मेगा और माइक्रो चेंज करना है, बस मेगा और माइक्रो चेंज करना है, माइक्रो मेल के लिए, मेगा फीमेल के लिए, बाकी सारी चीजें क्या है, एक जैसी है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब ओव्यूल डेवलप होना स्टार्ट करेगा तो एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल राइट एट द बिगनिंग यहां पे कुछ डिप्लॉयड मैटरनल पैरेन्काइमेटस सेल्स एक मास के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि एंथर के डेवलपमेंट के टाइम पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स का पूरा मास बनता था, उसी तरीके से यहाँ पे ओव्यूल के डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ पे हमने कहा कि कुछ डिप्लॉयड मैटरनल पैरेन्काइमेटस सेल का क्या बन जा रहा है, मास बन जा रहा है। तो ये जो जो सेल्स का पूरा जो मास बन रहा है, ये सेल्स कैसी होंगी, पैरेन्काइमेटस सेल होंगी, और इस पैरेन्काइमेटस सेल्स के मास के बेस पे यहाँ पे एक फ्लैट प्लेट लाइक मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होगी। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेट लाइक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल, एक मेरिस्टेमेटिक सेल, और इसके ऊपर यहाँ पे ढेर सारा क्या रखा हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल। इसको एक एनालॉजी हम दे सकते हैं इसके लिए कि आपके घर में एक प्लेट हो, उसमें ढेर सारे लड्डू रखे हो, ढेर सारे लड्डू रखे हो, तो प्लेट जो है एक ही होगा और प्लेट में लड्डू ढेर सारे हैं, तो लड्डू हो गए ये सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल का मास जो कि मैटरनल डिप्लॉयड सेल है, और आपकी प्लेट जो हो गई वो ये सिंगल ब्लू वाली सेल हो गई जिसको हम बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। तो प्लेट, प्लेट में रखे ढेर सारे लड्डू, प्लेट खुद क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, और उसमें रखे ढेर सारे लड्डुओं का जो मास है या ग्रुप है वो क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल का मास है। एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया है, ये हो गई आपकी प्लेट जिसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल बोल रहे हैं, प्लेट में रखे ढेर सारे लड्डुओं का ये ग्रुप जो है, मास जो है, इसको हम बोल रहे हैं पैरेन्काइमेटस सेल। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोट्यूजन प्रोट्यूबरेंस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ बड, और चूंकि इस बड में बहुत सारी सेल्स हैं तो ये बड जो होगा ये कैसा होगा, मल्टी
सेलुलर और इसी स्ट्रक्चर को मल्टी सेलुलर बर्ड को ही हम लोग ओव्यूल प्रिमोर्डिया या लीफ प्रिमोर्डिया बोल देते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोट्यूबरेंसेस फॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से उसको हम लोग बर्ड बोलेंगे। बहुत सारे सेल हैं इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर बर्ड। फर्दर डेवलपमेंट के स्टेज में हमको देखने को मिलेगा कि ये जो सेल है, ये जो मेरिस्टमैटिक सेल है, जो एक सिंगल मेरिस्टमैटिक सेल है, ये धीरे 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 कर्व होना शुरू हो जाएगी, यानी घूमना शुरू हो जाएगी। जैसे कि प्लेट में लड्डू रखा था, प्लेट को आप फोल्ड कर रहे ऊपर की तरफ, इस तरीके से फोल्ड करना शुरू कर दें, या ऐसा समझ लें कि प्लेट के लड्डू को उठा करके कटोरी में रख दिया। एग्जैक्टली उस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ये प्लेट था, प्लेट में लड्डू रखा था और ये प्लेट धीरे धीरे आपने ऐसा गोल कर दिया, इस तरीके से गोल कर दिया इसको, इस तरीके से गोल कर दिया, यानी कटोरी बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये सिंगल मेरिस्टमैटिक सेल जो है वो इस तरीके से कर्व होना शुरू हो जाएगी, इस तरीके से कर्व होना शुरू हो जाएगी। और जब ये कर्व होना शुरू कर देगी ऊपर की तरफ, ये कर्व होना शुरू कर देगी, तो आपको एक बात बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी कि ये जो सेल का मास है इनको कवर करना शुरू कर देगी। यानी कि इस तरीके से प्लेट थी, प्लेट ने धीरे 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 क्या किया, इस तरीके से कर्व हुआ और ये सारे के सारे सेल का जो मास है उनको क्या करने लगी, सराउंड करने लगी, यानी कवर करने लगी। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं अब इंटेगुमेंट। और ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को मैं बोल रहा हूं न्यूसेलर सेल्स, एंड मास ऑफ न्यूसेलर सेल्स को मैं बोल रहा हूं न्यूसेलस। इसको मैं बोल रहा हूं न्यूसेलस। फिर आप देखेंगे ये जो मेरिस्टमैटिक सेल थी जिसको हम इंटेगुमेंट बोल रहे हैं, ये इंटेगुमेंट धीरे 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 इस पूरी सेल को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा या सराउंड कर लेगा। जैसे कि जस्ट अगले डेवलपमेंटल स्टेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये ढेर सारी क्या होंगी, सेल्स होंगी। ये ढेर सारी सेल्स का जो मास है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस मास ऑफ सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं न्यूसेलस। और ये इंटेगुमेंट जो है इस न्यूसेलस को धीरे 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 इस तरीके से सराउंड कर लेगा। ये अब यहाँ पे ये जो सेल्स है पूरी, पहली चीज तो ये प्रोटेक्ट हो गई इस स्ट्रक्चर से, कौन से स्ट्रक्चर से, इंटेगुमेंट से। तो इंटेगुमेंट का काम ही क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूसेलर सेल्स को या न्यूसेलस को। तो धीरे धीरे न्यूसेलस की जो सेल्स हैं, न्यूसेलर सेल्स, इनको पूरी तरीके से इंटेगुमेंट ने क्या कर लिया, कवर कर लिया, यानी कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम शुरू कर दिया। और अभी हमने आपको बताया कि ये जो न्यूसेलस हैं, ये जो न्यूसेलर सेल्स हैं, ये न्यूसेलर सेल्स कैसी होंगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी। और आपको पता है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं, ये परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। और उसमें भी ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होगी। एक बहुत छोटी सी बात, 11th क्लास में हमने आपको बताया था, 9th क्लास से ऑलरेडी आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्लांट में जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, इनका सिर्फ एक काम होता है, ये डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं। इनिशियली प्लांट के डेवलपमेंट में, इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ मेरिस्टमैटिक सेल्स हमको देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट में ग्रोथ होती चली जाती है, कुछ मेरिस्टमैटिक सेल कुछ स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं, एक पर्टिकुलर शेप अक्वायर कर लेती हैं, इनको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, परमानेंट टिश्यू या सेल, तब जब ये डिविजन कैपेसिटी भी लूज कर देती हैं। और प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनमें एक मेरिस्टमैटिक सेल अपने डिविजन कैपेसिटी को लूज कर देगी, एक स्पेसिफिक शेप अटेन कर लेगी, स्ट्रक्चर अटेन कर लेगी और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगेगी, डिवाइड नहीं करेगी, इस प्रोसेस को बोलते थे डिफरेंशिएशन। तो एक मेरिस्टमैटिक सेल होगी, ये मेरिस्टमैटिक सेल अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन बोलते थे। लेकिन ये जो परमानेंट सेल है, अगर ये सिंपल परमानेंट सेल है, तो जरूरत पड़ने पे ये अपने डिवीजन कैपेसिटी को रीस्टोर भी कर सकती है, यानी कि ये अपने मेरिस्टमैटिक नेचर को रीस्टोर कर सकती है, यानी कि परमानेंट सेल में, सिंपल परमानेंट सेल, ये वापस से मेरिस्टमैटिक सेल में कन्वर्ट हो सकती है। इसको हम लोग बोलते थे सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक सेल। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, डिवीजन
कैपेसिटी लूज करेगी, वापस से रिस्टोर करेगी, तो उल्टा हुआ। तो डिफरेंशिएशन अगर इसको बोल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, डी डिफरेंशिएशन बोलते थे। तो वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये जो सेल्स हैं न्यूसेलर सेल्स, ये न्यूसेलर सेल्स कैसी हैं, पैरेंट काइमेटस हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये डिवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें से डिवाइड करने की कैपेसिटी कुछ सेल के पास वापस आ सकती है, यानी कि ये पैरेंट काइमेटस सेल्स जो है ये अपने डिवीजन कैपेसिटी को रीस्टोर भी कर सकती है। तो यहाँ पे अगले स्टेज की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ये ढेर सारी सेल्स आपके पास होंगी, ऑलरेडी ये ढेर सारी सेल्स आपके पास हैं, और इन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस और न्यूसेलर सेल्स। और इस न्यूसेलस या न्यूसेलर सेल्स को चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग इस तरीके से क्या कर रही है, सराउंड कर रही है, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेगुमेंट बोल रहे हैं, और इस सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ सेल्स को क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस बोल रहे हैं। और ये जो न्यूसेलस सेल्स हैं ये पैरेंट काइमेटस हैं, ये न्यूसेलर सेल्स जो हैं ये कैसी हैं, पैरेंट काइमेटस हैं। अब यहां से यहां आने में एक चेंज ये हुआ कि इस पैरेंट काइमेटस सेल्स में से एक सिंगल पैरेंट काइमेटस सेल, हमने बोला कि एक सिंगल पैरेंट काइमेटस सेल्स न्यूसेलर सेल मास से अपने डिवीजन कैपेसिटी को, मेरिस्टेमेटिक नेचर को रीस्टोर करेगी। सपोज जिस सेल की मैं बात कर रहा हूं वो यहां पे सेंटर में प्रेजेंट है, यहां पे सेंटर में प्रेजेंट एक पैरेंट काइमेटस सेल, एक न्यूसेलर सेल ने अपने मेरिस्टेमेटिक नेचर को क्या कर लिया, रीस्टोर कर लिया। तो आपको पता है कि इस सेल को हम बोल रहे हैं न्यूसेलर सेल या न्यूसेलर सेल्स, और ये कैसी है, सिंपल परमानेंट सेल है, ये डिवाइड नहीं कर सकती है, और ये एक नई सेल बनी, और ये सेल डिवाइड कर सकती है। तो अगर ये डिवीजन की कैपेसिटी को रिस्टोर करेगी तो यहां से लेकर के यहां तक जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी डिफरेंशिएशन। यानी कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही है इस डेवलपमेंट स्टेज में, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल सेल, एक न्यूसेलर सेल डी डिफरेंशिएट करेगी और अपने मेरिस्टेमेटिक नेचर को रिस्टोर करेगी, यानी कि ये अपने आप को डिवीजन के लायक बनाएगी। और इंपॉर्टेंट तो ये है याद करना कि इसी सेल को हम लोग अब बोलना शुरू करेंगे आर्की स्पोरियल सेल, इसी सेल को मैं क्या बोल रहा हूं, आर्की स्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होगी, और ये आर्किस्पोरियल सेल पहली बार जब डिवाइड करेगी तो इसमें जो सेल डिवीजन होगा ये माइटोसिस होगा, यानी इक्वेशनल डिवीजन होगा। यहाँ पे ये डिवीजन कैसा होगा, इक्वेशनल डिवीजन। तो इस आर्किस्पोरियल सेल में पहली बार जो सेल डिवीजन हुआ ये कैसा हुआ, माइटोसिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से इस चीज को समझना है। आर्किस्पोरियल सेल ने डिवाइड किया कौन से सेल डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आप जानते हैं माइटोसिस में कोई भी चेंज नहीं आता है, कंजर्व रहता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और एक और बात आपको पता होगी सेल बायोलॉजी से कि एट द एंड ऑफ माइटोसिस देयर आर टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ माइटोसिस। तो जब भी कोई भी सेल में माइटोसिस होगी तो एट द एंड ऑफ माइटोसिस देयर विल बी टू डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड करेंगी तो भी यहाँ पे कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, दो डॉटर सेल्स बनेंगी। एक सेल को मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी पैराइटल सेल, और एक सेल को मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ, जैसे कि एंथर में हमने देखा था कि आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन हो रहा था, पेरिक्लाइनल डिवीजन पहली बार, और अंदर वाली सेल को हम लोग क्या बोलते थे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, बाहर वाली सेल्स की लाइनिंग को क्या बोलते थे, प्राइमरी पैराइटल सेल। एग्जैक्टली सिमिलरली वही फिनोमेना यहाँ पे भी हो रहा है कि आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड कर रही है माइटोसिस के थ्रू, एक सेल को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और एक दूसरी जो डॉटर सेल है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। दैट इज सिंपल, बिल्कुल वही सेम चीजें हैं, कुछ अभी तक हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, जो ऑलरेडी एंथर के डेवलपमेंट से पढ़ते चले आए हैं वही पढ़ रहे हैं। और ये प्राइमरी पैराइटल सेल इन केस ऑफ एंथर क्या बनाती थी, वॉल ऑफ एंथर। लेकिन यहां पे ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसके लिए मैं दो बातें आपको बता रहा हूं कि
ये डिवीजन कर भी सकती है, यानी कि इसमें डिवीजन हो भी सकता है और इसमें डिवीजन नहीं भी हो सकता, दैट इज नो डिवीजन। अगर ये न्यूसिलस सेल, यानी कि ये जो न्यूसिलर सेल्स हैं चारों तरफ, इस आर्किस्पुरियल सेल के चारों तरफ न्यूसिलर सेल्स जो हैं, ये न्यूसिलर सेल्स का नंबर कम होगा अगर, तो ये डिवाइड करके जो न्यू सेल्स बनाएंगी, ये न्यू सेल्स बोली जाएंगी न्यूसिलर सेल्स, या हम कह सकते हैं कि डिवीजन के थ्रू प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या बनाती हैं, न्यूसिलर सेल्स। ऐसा क्यों कर रही हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल की बनने की जरूरत क्यों है? हमने आपको बताया कि प्राइमरी पैराइटल से डिवीजन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, करेंगी तब जब न्यूसिलर सेल्स का नंबर कम होगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि न्यूसिलर सेल का नंबर कम नहीं होना चाहिए? ये न्यूसिलर सेल्स जो है, ये न्यूसिलर सेल्स जो है इस रेड वाली सेल को नरिश करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्लैक वाली सेल इस रेड वाली सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये जो न्यूसिलर सेल्स होती हैं, न्यूसिलस की जो सेल्स होती हैं, ये न्यूसिलर सेल्स इस रेड कलर वाली आर्किस्पोरियल सेल को, इस आर्किस्पोरियल सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये आर्किस्पोरियल सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है, अभी आपको पता चल जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस। तो इसको ये नरिशमेंट की बहुत ज्यादा इसके नरिशमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब डेवलपमेंट हो रहा था तभी नेचर ने ये अरेंजमेंट कर दिया था कि इस रेड वाले सेल को प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, और इस वजह से इनके चारों तरफ ढेर सारी सेल्स का पूरा मास दे दिया नेचर ने कि भैया तुम क्या करते रहना, इस आर्किस्पोरियल सेल को बराबर नरिशमेंट देते रहना, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा जरूरी सेल है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल इसलिए बन रही है आर्किस्पोरियल, देखो आर्किस्पोरियल सेल ही प्राइमरी पैराइटल सेल बना रही है, और अगर प्राइमरी पैराइटल सेल का नेचर ये है कि ये जो न्यूट्रिटिव सेल है, ये जो नरिशिंग सेल्स हैं, ये जो न्यूट्रिटिव या नरिशिंग सेल है, अगर इनका नंबर कम होगा तो प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड करके इनका नंबर और बढ़ाएगी ताकि इनको बेटर नरिशमेंट मिल सके आर्किस्पोरियल सेल को। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड करेंगे तब जब आर्किस्पोरियल सेल का नंबर कम होगा, और डिवाइड करके और ज्यादा तब डिवाइड करेंगे जब न्यूसिलर सेल्स का नंबर कम होगा, और ये डिवाइड करके और ज्यादा न्यूसिलर सेल्स बनाएंगे ताकि आर्किस्पोरियल सेल को बेटर नरिशमेंट मिल सके। बिकॉज ऑफ दीज न्यूसिलर सेल्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड दे डू हैव गुड अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, और ये जो है ये नरिशिंग का काम करती है आर्किस्पोरियल सेल के लिए। और ये जो दूसरी डॉटर सेल है, दैट इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है इसको आगे चल के हम लोग बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल। और स्पोरोजिनस सेल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्पोरोजिनस सेल आगे चल के बनाएंगे स्पोर्स बनाएंगे, और ये भी आपको पता है कि स्पोर्स होते हैं हैप्लॉयड, और ये है कैसी, अभी हमने बताया कि डिप्लॉयड, अभी तक सिर्फ माइटोसिस हुई है अगर हुई है तो यहां पे। तो ये सेल्स अगर क्या है, डिप्लॉयड, ये सेल्स कैसी है, डिप्लॉयड अगर है तो स्पोर्स अगर हैप्लॉयड है तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल जो बनेगी तो वो जिस सेल डिवीजन के थ्रू बनेगी उस सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोसिस। तो स्पोरोजिनस सेल स्पोर्स बनाएंगी कौन से सेल डिवीजन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। और ये भी बात तो आपको पता है कि जिस सेल्स में मियोसिस होती है उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट्स, उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। और मियोसाइट्स जो होती हैं ये मदर सेल्स होती हैं। तो स्पोरोजिनस सेल स्पोर्स बनाएंगी, स्पोर्स हैप्लॉयड होंगी, स्पोरोजिनस सेल डिप्लॉयड होंगी, तो यहाँ पे होगा रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस। और जिन सेल्स में मियोसिस होता है उन सेल को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट्स, और मियोसाइट्स कैसी होती हैं, मदर सेल्स होती हैं। और अगर हम स्पोर की बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेफरेंस में, तो स्पोर जो होंगे इनको हम लोग सिर्फ स्पोर ना बोल करके बोलेंगे मेगा स्पोर, इनको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर। तो ये जो मेगा स्पोर है जिन मदर सेल्स से बनेंगी उन मदर सेल्स को हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को हम लोग बोलेंगे आगे चल के स्पोरोजिनस सेल बनाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। में होगा रिडक्शनल डिवीजन एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, देर आर
फोर डॉटर सेल्स और इन डॉटर सेल्स को, ये जो चार डॉटर सेल्स बनेंगी, इन डॉटर सेल्स को हम लोग बोल रहे हैं मेगा स्पोर्स। यानी कि हमारे पास एक तो ये स्ट्रक्चर मिल गया मेगा स्पोर। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया अभी कि हमारे पास एक आर्किस्पोरियल सेल होनी चाहिए, उससे बनना चाहिए प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, उससे बनना चाहिए स्पोरोजिनस सेल, उससे बनना चाहिए मदर सेल या मियोसाइट, जो आगे चल के क्या बनाएगी स्पोर्स। तो अगर हम फीमेल के लिए बात कर रहे हैं तो स्पोर को हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर, जिससे बनेगी उसको बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, और ये बनेगी किससे स्पोरोजिनस सेल से, ये बनेगी किससे स्पोरोजिनस सेल से। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ये जो स्पोर है ये स्पोर बन कहाँ पे रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह नहीं है, इस तरह सैक लाइक, सैक लाइक। आप इस चीज को ध्यान से समझिए, ये जो मेगा स्पोर्स बन रहे हैं वो मेगा स्पोर्स इसी के अंदर तो बन रहे हैं। आर्किस्पोरियल सेल बना रही है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल, माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स बन रहे हैं। तो आर्किस्पोरियल सेल यही है, यही डिवाइड करके बनाएगी स्पोरोजिनस सेल, यही बनेगी मेगा स्पोर मदर सेल्स और यही बनेंगे मेगा स्पोर्स। तो एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। अगर उसके अंदर बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स तो उसी बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्पोरेंजियम। अगर उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं तो उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर यहाँ पे इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं मेगा स्पोर्स, तो क्या हम इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। इसलिए इसको मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे हैं क्योंकि इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेगा स्पोर्स बन रहे हैं, तो हम इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसमें ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेगुमेंट। कवरिंग को बोल रहे हैं इंटेगुमेंट। तो ये जो प्रोटेक्टिव मेगा स्पोरेंजियम है, जो प्रोटेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटेगुमेंट, तो इस मेगा स्पोरेंजियम को हम लोग बोलेंगे इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। और आपको पता है कि इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को ही बोला जा रहा है इन जनरल ओव्यूल, इन जनरल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो आपको बहुत बेसिक ये बात समझ में आ गई कि ओव्यूल कैसे डेवलप होगा। तो इसके अंदर मेगा स्पोर्स बन रहे हैं, इस वजह से इसको मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। ये मेगा स्पोरेंजियम कवर्ड है इंटेगुमेंट से, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। और इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को ही क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। तो आपको समझ में आ गया कि ओव्यूल कैसे डेवलप होगा, ओव्यूल कैसे डेवलप होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ओव्यूल इस तरीके से डेवलप होगा और ओव्यूल के अंदर बनेंगे मेगा स्पोर्स। तो हमने बताया था कि एंथर के अंदर बनते थे माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते थे फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी तरीके से ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर्स बन रहे हैं फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो वहां पे मेगा स्पोर, वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते थे, माइक्रोस्पोर्स बनाते थे मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन। तो यहां पे मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स बनेंगी, और मेगा स्पोर्स क्या बनाएंगी, मेगा स्पोर्स क्या बनाएंगी, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायो सैक, क्या बनाएंगी, ये एम्ब्रायो सैक। तो यहां पे ये जो मेगा स्पोर्स है, इन मेगा स्पोर्स में आपको पता है यहाँ पे मियोसिस होगा, तो एट द एंड ऑफ मियोसिस चार सेल्स प्रोड्यूस होंगी, चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, और इन चारों डॉटर सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोर्स बोल रहे हैं। तो इसमें से तीन डॉटर सेल्स या तीन मेगा स्पोर्स तो डीजनरेट हो जाएंगे, एक सिंगल मेगा स्पोर क्या होगा, फंक्शनल होगा, और इस सिंगल मेगा स्पोर से यहाँ पे बनेगा फीमेल गैमेटो फाइट, और इस फीमेल गैमेटोफाइट को मैं बोल रहा हूँ एम्ब्रायो सैक, इसको मैं बोल रहा हूँ एम्ब्रायो सैक, इसको मैं बोल रहा हूँ एम्ब्रायो सैक। तो हमने आपको बताया था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल विल बी
मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो एक प्रोसेस तो हमको समझ में आ गया, एक प्रोसेस तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती, माइक्रोस्पोर्स बनते, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोर मदर सेल से जब मेगा स्पोर्स बनेंगी तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक प्रोसेस ये फर्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जस्ट अगले वीडियो में, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल बेबी मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको हम लोग अगले जस्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस से मेगा स्पोर्स बन रहे हैं चार, और इस चार मेगा स्पोर्स में से तीन डिसजनरेट हो जा रहे हैं, एक फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप हो रहा है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसाइट में। तो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसाइट के अंदर यहाँ पे हम लोग देखेंगे बनेगा फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेट। फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेट। मेगा गैमेट क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई हम बार बार बोल रहे हैं माइक्रोवर्ड मेल के लिए, मेगावर्ड फीमेल के लिए यूज करेंगे। मेल का गैमेट स्मॉलर इन साइज होता है, इस वजह से माइक्रोगैमेट बोलेंगे। फीमेल का गैमेट बड़ा होता है साइज में, इस वजह से मेगा गैमेट बोलेंगे। तो इस एम्ब्रायोसाइट के अंदर या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट, क्योंकि गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं गैमेट, तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को मैं बोल रहा हूँ मेगा गैमेट, और इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर को हम लोग बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि इनफैक्ट इसके अंदर ये बन रहा है स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट को अगर मेगा गैमेट बोल रहे हैं तो मेगा गैमेट के बनने की प्रोसेस को बोलेंगे जेनेसिस, मतलब जनरेशन, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो हमारे पास एक ये एक दूसरी प्रोसेस मिल गई, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेट, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये दूसरी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे अगले के अगले वीडियो में। तो अब जब हम लोग अगले वीडियो में वापस से मिलेंगे तो वहां पे ये प्रोसेस पढ़ेंगे मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनना, मेगा स्पोरोजेनेसिस, एक प्रोसेस ये, और दूसरा पढ़ेंगे उसके अगले वीडियो में इस मेगा स्पोर से मेगा गैमेट का बनना, यानी गैमेटोफाइट का बनना, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगले वीडियो में हम लोग करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, दैट विल बी मेगा स्पोरोजेनेसिस। और फिर उसके बाद एक मेगा स्पोर से मेगा गैमेट या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर्स, सिंगल मेगा स्पोर। इतना समझ में आ गया? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो एक छोटी सी बात मैं आपको वापस से रिकॉल कराता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ये बात होगी कि हमने जब पढ़ा था एंथर का डेवलपमेंट तो कॉर्नर्स पे थाउजेंड्स ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स बनती थी, वो थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बनाती थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होते थे एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और जब ये स्पोरोजेनस सेल मॉडिफाई होते थे, इनके बीच में प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन ब्रेक होता था और डिपोजिशन होता था कैलोस कार्बोहाइड्रेट का, तब ये एक्ट करने लगते थी एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती थी। और जब बीच में मियोसिस होता था तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर्स बनते थे, यानी कि बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते थे एक सिंगल मेगास्पोरेंजियम के अंदर, हजारों। लेकिन यहां पे क्या है कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, अब तो हम समझ पा रहे हैं कि इसको मेगा स्पोरेंजियम में इंटरमिटेंट मेगा स्पोरेंजियम या ओवरी क्यों बोलेंगे। तो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही सेल में क्या होता था, डिफरेंशिएशन, यानी कि एक ही बनती थी आर्किस्पोरियल सेल। तो नंबर ऑफ आर्किस्पोरियल सेल विल बी वन, यानी कि एक आर्किस्पोरियल सेल होगी एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। इसमें जब माइटोसिस होगा तो एक डॉटर सेल, ये यानी कि एक सिंगल प्राइमरी पैराइटल सेल होगी, ये ढेर सारी न्यूक्लियर सेल्स बना सकती हैं, और एक डॉटर सेल ये बनेगी, यानी एक सिंगल स्पोरोजिनस सेल होगी, यानी कि स्पोरोजिनस सेल का नंबर क्या होगा, एक होगा, और यही स्पोरोजिनस सेल एक्ट करेगी एज मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल का नंबर भी कितना होगा, वन।
जब इसमें होगी मियोसिस, तो मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन में चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, यानी हम कह सकते हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल से बनी जो डॉटर सेल्स होंगी उनको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर्स, और मेगा स्पोर्स का नंबर होगा कितना, फोर, कितनी होंगी, चार। तीन डीजनरेट हो जाएंगी, एक ही फंक्शनल होगी, यानी एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर एक सिंगल सिंगल मेल सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एक गैमेटोफाइट बनाएगा, और एक गैमेटोफाइट एक सिंगल क्या बनाएगा, या एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक ही बनेगी फीमेल गैमेट, दैट इज एक्सेल। तो मैं फिर एक बार बहुत तेजी से रिकैप करा रहा हूं आपको, बहुत तेजी से रिकैप करा रहा हूं कि एंथर के अंदर एक ही एंथर के एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे, वो हजारों एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और वो बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन्स, यानी कि एक स्पोरेंजियम के अंदर एक एंथर के अंदर हजारों क्या बनेंगे मेल गैमेटोफाइट, और एक मेल गैमेटोफाइट के अंदर हमने देखा था दो मेल गैमेट्स होंगे, यानी कह सकते हैं कि हजारों मेल गैमेट्स बनेंगे एक एंथर के अंदर, बहुत सारे। लेकिन फीमेल में हमने क्या देखा कि एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एक आर्किस्पोरियल सेल होंगी, एक ही स्पोरोजिनस सेल होगी, एक ही मेगा स्पोर मदर सेल होगी, लेकिन चार मेगा स्पोर्स बनेंगे, वन भले चार मेगा स्पोर्स रहे हैं लेकिन चार में से तीन डीजनरेट हो जा रहे हैं, एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, यानी कि एक आर्किस्पोरियल सेल एक स्पोरोजिनस सेल होगा, एक स्पोर एक मेगा स्पोरेंजियम में, एक ओव्यूल के रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं, अब एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ओव्यूल के रेफरेंस में बात कर रहा हूं कि वो ओव्यूल को क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम। तो एक ओव्यूल या एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एक आर्किस्पोरियल सेल एक स्पोरोजिनस सेल एक ही मेगा स्पोर मदर सेल और उससे चार मेगा स्पोर्स बनेंगे, तीन डीजनरेट हो जाएंगे, यानी एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर होगा एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, और वही फंक्शनल मेगा स्पोर एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होगा या बनाएगा एक सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रायोसाइट, और एक एम्ब्रायोसाइट या एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक सिंगल फीमेल गैमेट बनेगी, दैट इज मेगा गैमेट, दैट इज एक्सेल, यानी कि एक ओव्यूल के अंदर एक सिंगल फीमेल गैमेट होगी, दैट इज एक्सेल। इतनी बात आप रिवाइज करिए, फिर मैं जब अगले वीडियो में आपके सामने आऊंगा तो मैंने आपको अभी बताया कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइक्रो मेगा स्पोर से मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस, फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक, ओके।